तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है CPR मेडिकल हेल्प IGI एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे हिंदुस्तान में एक वाकया हुआ था भाई साहब, एक बुजुर्ग आदमी भाई, वो उनको मेरे ख्याल में दिल का दौरा बना और गिर पड़े और उनको भाई साहब एक लड़की ने बचाया। तो देखते हैं वीडियो, उनका इंटरव्यू और अपना बयान पर देंगे। कॉल करते हैं 321 न्यूज़ स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया गर्ग है, मैं रेलवे हॉस्पिटल अजमेर में कार्यरत हूँ एज अ सीनियर DMO एनेस्थेटिस्ट। हमारी दिल्ली वाली जो फ़्लाइट थी वो डिलेड थी, लगभग 2.5 घंटा वो डिले थी, और इसलिए हम लोग जो थे वो सब एयरपोर्ट पे, जो दिल्ली का एयरपोर्ट था टर्मिनल 2, उस पर रुके हुए थे। मैं और मेरे हस्बैंड फूड कोर्ट की तरफ गए थे रिफ़्रेशमेंट के लिए, फूड कोर्ट की तरफ गए थे। तो जो हमारा पास वाला स्टॉल था उसी पे ये अंकल खड़े हुए थे और अचानक से ये एकदम से गिर गए। हमने इनको गिरते हुए देखा तो हम उनकी तरफ भागे, और जहाँ पे वो अंकल गिरे तो हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ साथ वहाँ पे एक और डॉक्टर दंपत्ति थे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे डॉक्टर रमाकांत गोयल, और वो जो डॉक्टर दंपत्ति थे वो जयपुर से बिलोंग करते थे, वो महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं। डॉक्टर उमेश बंसल और उनकी वाइफ डॉली बंसल। तो जब हमने ऐसे देखा तो हमने उनको एग्जामिन किया तो उनकी पल्स नहीं आ रही थी, सांस लेना बंद कर दिया था, अंकल बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। हमने एक बार को थोड़ी देर के लिए उनका पैर उठाए, वेजोवेगल नहीं तो नहीं है ये सोच के, पर वेजोवेगल नहीं था, उनका पल्स नहीं रिबाउंड हुआ और वो नीला पड़ना शुरू हो गए थे। तो हमने तुरंत ही फिर मैंने CPR शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी हालत में फिर जब धड़कन बंद हो जाती है और दिल काम करना बंद कर देता है तो हमें CPR देना मस्ट हो जाता है। तो हमने तुरंत ही CPR करना शुरू कर दिया और 5 मिनट के दौरान अंकल को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड आना शुरू हुआ, उनकी पल्स वापस हमें महसूस होनी शुरू हुई। उमेश बहुत पल्स पे हाथ रख के बैठे हुए थे, वो बार बार मुझे बता रहे थे, और उनकी पल्स उस समय तक थोड़ी फीबल थी। फिर डॉली मैम के पास में सबलिंगुअल टैबलेट जो हम देते हैं सॉर्बिट्रेट, वो अवेलेबल थी। हमने उनको अंकल को तुरंत ही सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट टैबलेट दी, वो भाग के वो टैबलेट लेके आई थी, और उसके बाद में हमने कंटिन्यू किया CPR। थोड़ी देर बाद में उनकी पल्स नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई और सांस लेना वापस उन्होंने शुरू किया, वो रिस्पॉन्सिव होना शुरू हुए। इसी दौरान जो आसपास जो क्राउड इकट्ठी हुई थी और हम लोग भी एयरपोर्ट फैसिलिटी को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तो एयरपोर्ट की जो फैकल्टी थी वो भी आना शुरू हो गई। उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर से और ग्लूकोमीटर से उनको चेक किया तो पल्स नॉर्मलाइज हो गई थी, सैचुरेशन बेटर था और अंकल अब थोड़ा स्टेबल हो गए थे। उनके पास उनका मोबाइल था बट वो स्क्रीन लॉक था, तो जब वो होश में आए तो फिर हमने उन्होंने वो स्क्रीन लॉक खोला, उनकी वाइफ से बात की गई और उनकी वाइफ को वहाँ बुलाया, और फिर एयरपोर्ट जो फैकल्टी थी जो लोग आए थे उनके साथ में उनको व्हीलचेयर पे हमने भेज दिया। जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे सोशल मीडिया पे लोग सराहना भी कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों? मैं बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना प्यार और रिस्पेक्ट डॉक्टर्स के लिए और हमारे लिए जताया। एक पॉजिटिव एक एनर्जी महसूस होती है जब कोई भी पॉजिटिव चीज़ इतनी वायरल होती है। आजकल हमारे समाज में नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, पॉजिटिव चीज़ों को कम सराहना मिलती है, तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज पूरी सोसाइटी में जाता है। और जैसे आजकल कुछ भी गड़बड़ होती है तो लोग आगे आने से डरते हैं, तो इससे इस तरह से अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें एक पॉजिटिव मैसेज जाता है लोगों को कि हमें जब भी ज़रूरत है तो लोगों की मदद करें, जहाँ तक संभव हो। हमारा प्रयास यही है कि लोगों की मदद अगर समय पे हो जाती है, जैसे कई बार इतने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं रोड पे, वो उनकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि टाइम पे कोई उनको अस्पताल नहीं पहुंचाता। अगर टाइम पे उनको मदद मिल जाए, लोग उनको अस्पताल पहुंचा दें, तो शायद वो इतना नुकसान ना हो जितना हो जाता है। तो अगर इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड सोसाइटी में बनता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium. चलो जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। डॉक्टर भाई साहब ना वो कंपेयर तो नहीं बनता, लेकिन भाई साहब बहुत ही जिगरा होता है इनका, और ये जिस तरह इन्होंने किया है ना भाई, एक इंसान मैं कहता था थोड़ी सी लेट करते बंदा खत्म। और मैंने भाई साहब देखा है डॉक्टरों को अस्पताल में, चलो अस्पताल में है कि जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि भाई ज्यादा सीरियस मामला आ जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है जब, तो भाई मैंने देखा 8-8 डॉक्टर भाई साहब जितनी वो मेहनत कर देते हैं उसमें,
यकीन माने वहाँ पर लंबे खड़े हो जाते हैं। ऐसी बात है भाई, बहुत कोशिश करते हैं और कोशिश इस तरह करते हैं जैसे उनका अपना सगा कोई बाप बेटा भाई या उनकी फैमिली का मेंबर है। इतनी मेहनत से मैंने भी देखा है। मेरे वालिद साहब को भी हार्ट अटैक ही हुआ था और भाई उनकी चलो जान तो नहीं बच पाई, लेकिन भाई मैंने अपनी आंखों से देखा कितनी डॉक्टरों ने मेहनत की। तो इसलिए ना भाई साहब, जब इस तरह की सिचुएशन होती कि भाई एक पब्लिक जगह पे पब्लिक प्लेस पे उस वर्ग के ऊपर नजदीक भी नहीं आता, भाग गया हो जाता है। तो भाई वो कहते हैं ना तिनके डूबते को तिनके का सहारा है, बहुत होता है। तो हालांकि दवाई आने में लगा, लेकिन वो थोड़ा सा अगर वो जिस तरह उन्होंने वो दबा रहे थे, उनकी सांस चल गई, उनकी धड़कने चल गई। असल में ये बात देखना तारक भाई, डेढ़ घंटा फ्लाइट लेके रुकना पड़ा, उन दोनों भी मियां बीवी को डॉक्टर दोनों को रुकना पड़ा, और इस बुजुर्ग बाबे की उन्होंने जान बचाई। तो खुदा से बिल्कुल ऐसी बात है, इस तरह बन गई थी। एक और डॉक्टर उधर मौजूद भी था, लेकिन जो मेहनत इन दोनों मियां बीवी ने की ना भाई साहब, वो देखा एक पल्स को देख रहा है, चेहरा भी जर्द पड़ना शुरू हो गया, इस तरह की सर नीला, इस तरह का सिचुएशन, इस तरह फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भाई साहब उसको कमाल कर दिया भाई साहब। नहीं बहुत है भाई, और भाई जहाँ पे डॉक्टरों का पॉजिटिव इमेज दिखता है ना, कई नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, जो पैसे के पीछे होते हैं, वो भी लेकिन वो सारे नहीं होते था, सारे नहीं होते, चंद एक कुछ लोग। लेकिन भाई साहब डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है ना, उसका काम होता है लोगों की जान बचाना, और जिस तरह इन्होंने किया भाई साहब, यकीन माने इन्होंने इंसानियत जो है ना वो बताया कि इंसानियत जिंदा है। तो बाकी वैसे भी सारी दुनिया में इस तरह होता है कि अगर कोई बंदा खतरे में हो, अगर उसको थोड़ी हेल्प की जरूरत हो, तो हमेशा इसके जिम्मे जो है ना, कोई जितना कर सकता है वो कर रहा है, कोई पानी लेकर आ रहा है, कोई पानी लेकर आ रहा है, इसको जो जितना कर सकता है करता, कहीं करते हैं, कहीं भाई ऐसे भी देखे हैं कि एक्सीडेंट हो जाए ना तो पास खड़े रहेंगे, बंदा नजदीक नहीं जाएगा, ऐसी सिचुएशन भी देखी है। लेकिन वो अपनी पानी आती है भाई, मुझे भाई साहब याद नहीं, हमारे गाँव में आए थे रेस्क्यू टीम, वो बकायदा हमें सिखा रही थी कि किस तरह अगर कोई हार्ट अटैक आता है तो वो किस तरह दबाना है, उन्होंने सारा तरीका कार बताया था। अब पता नहीं कितनी दफा दबाना है, उन्होंने इस तरह का हाथ रखे ना फुल, उन्होंने कहा घुटनों से बल होकर ना प्रेशर फुल जोर के साथ दबाना होता है। अब गिनती याद नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था भाई साहब सांस देनी है मुंह के साथ लगा के, फिर दबाना है, फिर सांस देनी है, फिर दबाना, इस तरह करके उन्होंने बताया था। लेकिन भाई बहुत अच्छा लगा देख के, और भाई मैं तो दुआ करूंगा कि इंडिया में या पूरी दुनिया में और ज्यादा इस तरह के डॉक्टर हों जो इंसानियत की भलाई के लिए हमेशा खड़े रहे। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया लगा देख के भाई। और इस तरह के ना इंडिया में कई वाक्य देखे हैं, यहाँ पर भी हो जाते हैं। मैं देख रहा था वीडियो के एक रेलवे स्टेशन पे एक हुआ था इंसिडेंट, ट्रेन आ रही थी और एक बूढ़ी औरत थी, उसके बच्चा था और वो आंखों से अंधी थी, और उसका बच्चा भाई साहब पटरी पे गिर गया नीचे। हाँ। और वो बंदा साहब भाई आया, उसने अपनी जान के खतरे में डाल के वो ट्रेन से वो उस जगह से बच्चे को निकाला। तो ये होती है भाई साहब, कुछ लोग जो है ना वो हीरो भाई रेल में भी होते हैं। एक मैं और वीडियो देख रहा था, वो किसी बाहर कंट्री की थी, एक अंधा था, वो भाई साहब पटरी पे जा रहा था, मतलब ट्रेन इधर से आ रही थी और वो सीधा जा रहा था, बिल्कुल ट्रेन के सामने जाने लगा, वो गिरने लगा था उधर। तो एक बंदा साथ भाई साहब दूसरी तरफ से आया, छलांग लगा के उसने इधर से पकड़ ली, बिल्कुल थोड़ा सा भी लेट होता ना भाई साहब एक सेकंड भी, तो भाई वो बंदा जो बचाने वाला उसकी भी जान जा रही। देखिए जिसमें वो पांव फंस जाता है, पता नहीं मेट्रो का ही है या कि ट्रेन के, वो सारे लोग फिर उसको पुश करते हैं ऊपर उठा कर, मोटा सा था, हां उसका पांव निकालते हैं उसमें, ऐसा ही है। तो कई जगह एक और भी वाकया देखा था, इंडिया में ही हुआ था, एक बच्चा जो है वो छोटा वो किसी पाइप में गिर गया था, और उसको निकालने के लिए एक लड़की उतरी थी उस पाइप में, पाइप बहुत तंग था, लड़की को उल्टा बांध के भाई साहब उन्होंने उल्टा बांध के जो वो लटकाया पाइप में, और वहां से उसने बच्चे को निकाला। और भाई लेकिन वो जिगरा देखे कि दम घुट सकता था, तो ठीक है भाई बहुत बढ़िया लगा देखे। और भाई मैं तो दुआ करूंगा फिर भी कि ऐसे लोग जो है ना दुनिया में और ज्यादा पैदा हो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।